में रेमडेसिविर इंजेक्शन के बारे में चल रहा है, ब्लैक भी हो रही है, शॉर्टेज भी हो गई है, पर आज तक के साइंस के किसी भी स्टडी के अंदर रेमडेसिविर से जान बचते नहीं देखा गया। फिर ये क्यों बिक रही है और क्यों दी जा रही है और क्यों अप्रूव हुई है FDA के थ्रू? क्योंकि हमारे पास स्टार्टिंग में इसके अलावा ज्यादा कोई दवाई नहीं थी। अगर आप डेटा में जाइए तो सच्चाई ये है कि दुनिया में आज तक सिर्फ 2 दवाइयां बनी हैं जो कोरोना में लोगों की जान बचाती हैं, जिसमें सबसे पहली दवाई का नाम है स्टीरॉइड का इंजेक्शन। ये स्टीरॉइड का इंजेक्शन जिसकी स्टडी UK में हुई थी, इसको कहते हैं डेक्सामेथासोन। ये ना तो ब्लैक हुआ ना लोग इसके पीछे भागे। क्यों नहीं भागे? क्योंकि अगर आप इसकी MRP देखिए, ये 10 रुपए है। डेक्सामेथासोन के ऊपर UK ने स्टडी निकाली है और पूरे वर्ल्ड में ये स्टीरॉइड दिया जाता है। ये इंजेक्शन रेमडेसिविर से ज्यादा जान बचा रहा है और ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, रेमडेसिविर से ज्यादा इफेक्टिव ये इंजेक्शन है। पर ये सब मेडिकल गाइडेंस के अंडर ही दिया जाता है, इसलिए रेमडेसिविर के पीछे भागना छोड़िए। जो अवेलेबल है, जिससे हम अपने लोगों की जान बचा सकते हैं, जो हमारे पास इंडिया में सस्ता अवेलेबल है, आप उसके साथ जाइए। तो बाकी दवाइयों का क्या हुआ? बाकी दवाइयां जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, जो आइवरमेक्टिन बोल के दवाइयां आई थी, वो सारी दवाइयां फेल हो गई ट्रायल्स के अंदर और उनको अब कोई यूज नहीं कर रहा है। इसके अलावा 100 में 17 लोगों को सीरियस कोविड इंफेक्शन में क्लॉट्स बनने का खतरा रहता है, इसलिए उनको ब्लड थिनर का इंजेक्शन 1 क्लेक्सेन या जो लोग घर चले जाते हैं डॉक्टर्स उनको ब्लड थिनर की टैबलेट दे देते हैं। ये ब्लड थिनर की टैबलेट्स 20 से 21 दिन तक दी जाती हैं और ये दवाइयां भी अंडर मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन ही दी जाती हैं। जो लोगों की ऑक्सीजन 93 से कम है, वही लोगों को इतने सब दवाइयों की जरूरत है। जो लोग नॉर्मल है, वो लोग नॉर्मल खाना या सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से ही ठीक हो जा रहे हैं। स्टीरॉइड की जरूरत सिर्फ 2nd वीक में पड़ रही है। एक और चीज याद रखिए कि कोरोना की उम्र सिर्फ 14 दिन ही है। अगर आप 14 दिन जी गए तो आप कोरोना से जीत गए। अमूमन आदमी की उम्र 50-60 साल होती है। कोई रीजन नहीं है कि हम कोरोना से हार जाएं। अगर हम हाथ जोड़ लें, एक दूसरे की मदद करें, चीजें ब्लैक ना होने दें और जो अवेलेबल संसाधन है आज हमारे पास उसको यूज करें, तो हम सब ज्यादा से ज्यादा लोगों की